बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं ज़ुबैर हैदर ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हनीफ साहब, मेमन मार्केटिंग के CEO। अच्छा आमिर भाई, इस वक्त हम लोग आप जो हमें सोसाइटी में लेकर आए हैं ये है LERP रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। जी हाँ। अच्छा यहाँ पर जो है, मैं व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताऊँ, यहाँ पर 5 जो है मेन सेक्टर्स हैं, इसके बाद सेक्टर्स और भी हैं और इसके सब सेक्टर भी हैं। सेक्टर 51 और यहाँ पर 50 सेक्टर है, 36A है, 36A और 35 सेक्टर है, यानी कि 35, 36, 36A, 50 और 51 सेक्टर, 52-53 भी सेक्टर हैं और इनके सब सेक्टर भी हैं, उसके हम डिटेल बताएंगे। सबसे पहले अभी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो 36 सेक्टर है, यानी कि सेक्टर 35 में बिजली है, गैस है, पानी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद जो है सेक्टर 36 है, 36A तक, 36 और 36A तक जो है वहाँ पर आपको गैस, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद जो है आपको मतलब ये सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है 35 में है, सेक्टर 35 में। फिर उसके बाद ऐसे जैसे आप ऑर्डर नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्राइस कम हो रही है। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्टर 50 में। सेक्टर 50 में जो है सिर्फ गैस नहीं है वहाँ पर, अभी गैस है और बिजली है, पानी नहीं है। सही है, सेक्टर 50 में सिर्फ पानी नहीं है, गैस और बिजली है। अच्छा जो सेक्टर 51 है उसके अंदर अभी जो है बिजली यहाँ पर जो है कुंडे की है जी, और इसके अलावा सेवरेज है, पानी की लाइन वगैरह और ये चीज़ अभी डली हुई है सब चीज़ें, लेकिन प्रोवाइड नहीं है। अच्छा प्रोवाइड नहीं है, गैस भी नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो सेक्टर 51 है यहाँ पर तकरीबन 8 से लेके 12 तक में यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसी तरह ऑर्डरली यहाँ पर हम तमाम जो आगे के सेक्टर हैं उसमें बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा आमिर भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि हमने यहाँ पर जो विज़िट किया, हमने यहाँ पर तमाम सेक्टर्स दिखाए, कारोबारी मराकज़ दिखाए, सरगर्मियाँ दिखाई, यहाँ पर अगर हम उस सेक्टर में ले जाएँ जहाँ गैस, बिजली, पानी है, लीज्ड है, तमाम वैसे लीज तो है ही है, तो तमाम वहाँ पर बना हुआ घर कितने का मिल जाएगा और वहाँ प्लॉट कितने का मिल जाएगा? 35-36 सेक्टर में आपको RCC मकान 30-35 लाख रुपए का मिल जाएगा, 40 लाख रुपए का मिल जाएगा, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रीकास्ट का TR गार्डन का लेंगे तो वो आपको 22-25 लाख रुपए का मिल जाएगा, डिपेंड करता है ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ग्राउंड प्लस वन बना हुआ है, तो वहाँ पर ये रेट चल रहे हैं। अच्छा ये हम मैं अभी इस वक्त आपको बता रहा हूँ सेक्टर 35 की। उसके बाद है सेक्टर 36, इसमें अभी ए नहीं लगा। सेक्टर 36 के अंदर भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं और सेक्टर 36 में जो है प्लॉट कितने का है, बने हुए घर कितने का है? सेक्टर 36 में प्लॉट 18-20 लाख रुपए का मिल जाएगा और मकान वही सेम जैसे सेक्टर 35, 36 और 36A, इन तीनों के सेम ही रेट है। ऑलमोस्ट RCC मकान वही 35-40 के अराउंड मिलेगा, प्रीकास्ट का मकान वही 22-25 लाख रुपए का मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि व्यूअर्स हम आपके लिए आज हम LERE की जो हम सोसाइटी में मौजूद हैं, एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा रिहायशी प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपनी मतलब है कि बहुत ही मुनासिब और महदूद आमदनी हो या कुछ भी है, आप अपनी बहुत ही लिमिटेड असासे में अपना बना हुआ घर भी ले सकते हैं और प्लॉट भी ले सकते हैं। देखा जाए तो आजकल कहते हैं भाई हम इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, महदूद है और जो है डेवलपमेंट बहुत महंगी हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई, तो यहाँ पर बने हुए घर बिल मुकाबिल दूसरे इलाकों के लीज जगह यहाँ पर बनी हुई मिल जाती है। अच्छा तो व्यूअर्स अभी हम ये क्या मैं कहने का मकसद ये कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होती जा रही है, तो आप बना हुआ घर यहाँ पर लीज जगह आपको बिल्कुल आपकी महदूद कीमत में आपको जो मिल जाएगा, बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा लीज जगह बना हुआ घर। अच्छा इसके बाद आमिर भाई, हम ये जो सेक्टर 50 है और 51 है इसमें तकरीबन कितना प्राइस का डिफरेंट है और इसमें एमिनिटीज़ में क्या क्या चीज़ें नहीं आई, 50 में क्या क्या चीज़ें हैं? सेक्टर 50 में आपको गैस मिल जाएगी और सेवरेज वगैरह डली हुई है सब जगह ही, गैस मिल जाएगी और बिजली मिल जाएगी, बिजली के मीटर हैं, SSG की कंपनी की गैस है, पक्के इलेक्ट्रिक के मीटर इंस्टॉल है और वहाँ पे सिर्फ पानी की लाइनें वगैरह तो सब जगह डली हुई है, लेकिन पानी पीछे से जो है ना इनकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑन नहीं हुआ है। सही, तो सेक्टर 50 में हमें बना हुआ घर और प्लॉट कितने में मिल जाता है? सेक्टर 50 में आपको थोड़ा सा सेक्टर 35 और 36 के बाद नस्बत थोड़ा सा रेट कम है, ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सेक्टर 50 में भी ऑलमोस्ट 70-80% आबादी है। इन फ्यूचर पानी आ जाएगा? इन फ्यूचर बहुत जल्द इंशाल्लाह पानी भी आ जाएगा, यहाँ के लोग भी, यहाँ की यूनियन भी, यहाँ के और जो इदारे हैं, सोशल वर्कर भी, सब इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि जो है ना यहाँ पे सारी सहूलियात आ जाएँ और ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात आ जाए ताकि लोग यहाँ अच्छे से रह सकें। ठीक है। अच्छा इसके बाद सबसे 51 जो है सेक्टर, उसमें आपको बहुत ही अच्छे कम पैसे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम यहाँ पर 8 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है और घर बना हुआ कितने में मिल जाता है यहाँ पर? सेक्टर 51 में हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सौदा आ रहा है जो कि खाली प्लॉट ही, जुबैर भाई कॉर्नर का प्लॉट है 60 फिट रोड का,
अभी हमारे एक दोस्त ने हमें बताया, वो प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए है, और अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करने जाओ आज के दौर में तो वो आपके तकरीबन 25 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ऑलमोस्ट वो 45 लाख का आपको पड़ेगा अगर आप अभी प्लॉट लेके बनाते हैं। तो वो 80 गज का जो प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है 60 फीट रोड का, वो हमें सिर्फ 35 लाख में दे रहा है। बना हुआ घर है? बना हुआ घर, RCC का, ग्राउंड प्लस वन, सिर्फ ग्राउंड, ग्राउंड बना रहा है। प्लस इसमें वन कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑलमोस्ट वो आपके 20-22 लाख रुपए वन में आपके और कंस्ट्रक्शन के लग जाएंगे। मतलब है कि आपको बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से कम में अगर आप बनाते हैं तो 45 तक में आपका कंप्लीट हो रहा है, और इस वक्त हमें मिल कितना है बना हुआ? 35 वो मांग रहा है, 35 की उनकी डिमांड है। नेगोशिएशन जो देखें हो ही जाती है, तो वो अगर आप रابطہ करेंगे तो उसमें जो मुनासिब हमारी तरफ से होगा मैं आपके आपके साथ हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो व्यूअर्स, अच्छा आमिर भाई इसमें आप बताएंगे यहाँ पर रोड पर जो कितनी सरगर्मियाँ थी वो आपने देखी, तो कमर्शियल वगैरह भी लोग यहाँ पर बना सकते हैं, तो उसके बारे में बताएं यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो कितने तक में मिल जा रहे हैं? जुबैर भाई बेसिकली यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट कोई भी नहीं है, सारे रिहायशी प्लॉट हैं और बाई बट रिहायशी है। रोड पे जिनके पड़ रहे थे प्लॉट उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी और वो रोड की वजह से कर रहे हैं, लेकिन ऑन फाइल सारे रेजिडेंशियल प्लॉट ही हैं, कमर्शियल कोई भी नहीं है। हाँ अलबत्ता ये कि जो इसका प्लॉट बड़े रोड पर आ रहा है, चौड़े रोड पर आ रहा है, तो उसकी जो है ना रेट, उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वो बेच नहीं रहा, वो बोल रहे कि मेरा एक बड़े रोड पे मैं यहाँ पे शॉप खोल सकता हूँ या कोई एक्टिविटी कर सकता हूँ। लेकिन ऑन फाइल सारे रेजिडेंशियल ही हैं, लेकिन रोड पे आने की वजह से उनकी वर्थ ज़्यादा है, उनकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा व्यूअर्स हमने आपको LERP रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का विज़िट कराया और आपको यहाँ पर तमाम सेक्टर्स दिखाए, यहाँ पर कारोबारी और रिहायशी सरगर्मियाँ आपको इंशाल्लाह दिखाई हमने, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपको और मज़ीद इन्वेंट्रीज भी शेयर करेंगे, और जो भी जो घर आएंगे बनने के बने हुए सेल होने के लिए प्लॉट हमारे पास इन्वेंट्री आती रहती है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको इस हवाले से कोई भी प्लॉट चाहिए हो, घर चाहिए हो, आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।